झूला भी झूल रहे हैं। और एक बार राधे राधे बोल दो। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मिथुला राणा। क्या बनकर आए हो आप? राधा। राधा रानी। कितना अच्छा दिन है आज, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है आपको? हाँ। आप भी बोल दो एक बार राधे राधे। राधे राधे। आपका क्या नाम है? किमाया। अच्छा, क्या बनकर आए हो आप? राधा। राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े हो, मजा आ रहा है आज? एक बार राधे राधे बोल दो। तो आप देख सकते हैं, एक खूबसूरत तस्वीर है, कृष्ण बने हुए हैं, नंदलाला छोटा बच्चा हाथ में बांसुरी। आपका नाम? अमायरा। एक बार राधे राधे बोल दो। राधे राधे। राधे राधे। क्या बनकर आए हो आप? राधा रानी। राधा रानी बनकर आए हो, घूम रहे हो, मंदिर घूम रहे हो, दर्शन किए नंदलाला के, कृष्ण भगवान के। एक बार बोल दो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आप भी बोल दो राधे राधे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान श्री कृष्ण का रूप है। इधर ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लड्डू गोपाल। कृष्ण भक्तों के लिए तो है, पर मैंने कृष्ण रूप में नहीं, मैंने अपने बेटे के रूप में रखा हुआ है। ये मेरे बच्चों के भाई है जी। तो इसलिए आज इनका बर्थडे है जी। तो जैसे हम अपने बर्थडे पे तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, उसी ऐसे ही इनको भी रेडी। नंदलाला। नंदलाला, यानी नंदलाला के बारे में कितने गीत बने हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सखी है, और यहाँ पर तैयार होकर पहुँची है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बच्चों को लेकर आए हैं, कितना खास दिन आज? बहुत ही अच्छा दिन है, स्पेशली श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हम हिंदुओं का फेवरेट फेस्टिवल। सो ऑल अराउंड ये राधा रानी, मम्मा राधा रानी सुबह से रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए कह रही है, तो इसलिए हम इसे तैयार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे खाना बना कर लाए हैं बच्चे को। हां जी। कितना अच्छा दिन, कितना खूबसूरत दिन आज। बहुत खूबसूरत है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो आप देख सकते हैं हाथ में बांसुरी भी बनाकर लाए हैं, राधा और कृष्ण बनाकर लाए हैं। कितना अच्छा दिन, कितना खूबसूरत दिन। बहुत बहुत ही पावन दिन है आज, प्रभु कान्हा जी का आज जन्म दिवस है। सब तरफ खुशियाँ हैं, परमपिता परमात्मा सब पर कृपा बनाए रखे, सबके घरों में मंगल हो। आप सबको भी पुनः मंदिर सब सजे हुए हैं, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को खुद को ही अच्छा लग रहा है। और ये चीज़ प्रसाद देते हो तो आपको बताया अच्छा लग रहा है, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है। बर्थडे तो वैसे ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इस दिन पूरी भारत में बहुत अच्छे से कान्हा जी का जन्मदिन मनाया जाता है, मंदिर वगैरह सजाए जाते हैं और बाजारों की रौनक भी देखने वाली होती है। तो आप देख सकते हैं बच्चे भी इस त्योहार को बड़ी खूबसूरती के साथ मना रहे हैं। आप भी बोल दो एक बार राधे राधे। राधे राधे। एक बार जोर से जयकारा लगा देंगे, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आज बेहद खास दिन है और बाजार सजा हुआ है और मंदिर भी आप देख सकते हैं कितना और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। पहले कुंजपुरा रोड की तस्वीर दिखा देते हैं, चारों तरफ लोगों का हुजूम है, क्योंकि आज पवित्र त्योहार जन्माष्टमी का त्योहार है और तमाम लोग अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये सनातन धर्म मंदिर की तस्वीर है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस मंदिर को सजाया गया है। अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि अंदर कौन कौन सी झांकियां हैं, लोग आए हुए हैं अपने बच्चों को कान्हा बनाकर, उनसे भी हम बात करेंगे, दिखाते हैं आपको अलग अलग मंदिरों की शानदार तस्वीर। ये खूबसूरत तस्वीर है इस त्योहार की, तमाम जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने अपने बच्चों को कान्हा बना रखा है, क्योंकि आज खास दिन है, जन्माष्टमी का दिन है। छोटे छोटे बच्चे, कोई कान्हा बनकर आया है, कोई राधा बनकर आया है। सनातन धर्म मंदिर की तस्वीर दिखाएंगे, दोनों बच्चे कृष्ण बनाकर लाए हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। मंदिर कहाँ से आए हैं आप? हम प्रीतम नगर से आए हैं। प्रीतम नगर। प्रीतम नगर। क्या कुछ कहेंगे, कितना अच्छा दिन है आज? बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है आज हमारे लिए, दुनिया को सबसे खुशी का माहौल है। एक बार बोल दो राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे, आप भी बोल दो राधे राधे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान श्री कृष्ण का रूप है। इधर ये तस्वीर आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल की है, उनका श्रृंगार किया हुआ है। कोई नंदलाला बुलाता है, कोई कान्हा बुलाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना खास दिन आज सभी कृष्ण भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? कृष्ण भक्तों के लिए तो है, पर मैंने कृष्ण रूप में नहीं, मैंने अपने बेटे के रूप में रखा हुआ है। ये मेरे बच्चों के भाई है जी, तो इसलिए आज इनका बर्थडे है। तो जैसे हम अपने बर्थडे पे तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, उसी लिए ऐसे ही इनको भी रेडी। बिल्कुल, लड्डू गोपाल को तैयार किया हुआ है, अपने बेटे की तरह उन्हें पालते हैं। और राखी भी बांधी होगी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, क्या कुछ कहेंगे, कैसे सेवा करते हो लड्डू गोपाल की आप? हम जो भी खाते हैं हम उनको खिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चारों तरफ भीड़ है। तमाम मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, सनातन धर्म मंदिर के प्रधान जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी से बात करने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे सजाया गया है मंदिर को? सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में आए सभी सनातन प्रेमियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये हर साल हम बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, इस बार भी बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छी सब सबको शुभ। तमाम सदस्य मैनेजमेंट कमेटी के लोगों से बात कर रहे हैं, कैसे हो बेटा आप, एक बार राधे राधे बोल दो। राधे राधे। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सखी है और यहाँ पर तैयार होकर पहुँची है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बच्चों को लेकर आए हैं, कितना खास दिन आज? बहुत ही अच्छा दिन है, स्पेशली श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हम हिंदुओं का फेवरेट फेस्टिवल। सो ऑल अराउंड ये राधा रानी, मम्मा राधा रानी सुबह से रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए कह रही है, तो इसलिए हम इसे तैयार करके लाए हैं सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, राधा रानी बनकर आई है बिटिया। और ये मंदिर है हर साल आकर्षक का केंद्र होता है और बड़ी खूबसूरती के साथ इसे सजाया जाता है। पहली झांकी भगवान श्री गणेश की, क्योंकि किसी भी शुभ काम की शुरुआत होती है तो भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से होती है। और बच्चे मूषक की सवारी ले रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश का जो वाहन था वो मूषक था और उन्हें लड्डू बहुत पसंद थे। इधर आप देख सकते हैं गुब्बारों के साथ सजाया गया है मंदिर को, अंदर श्रृंगार किया गया है और चुन्नियां लगाई गई हैं, छतरी लगाई गई है, फूल लगाए गए हैं। और अंदर अगली तस्वीर आप देख सकते हैं वासुदेव की, ये जमुना पार करवा रहे हैं, कृष्ण हैं। और जो वासुदेव का रोल कर रहे हैं वो एक बेहतरीन कलाकार हैं, क्योंकि रामलीला में भी अक्सर आपको ये कलाकार नजर आ जाएंगे अलग अलग पात्र में। और ऊपर शेषनाग हैं, वर्षा हो रही है और भगवान श्री कृष्ण को जेल से लेकर जा रहे हैं एक सुरक्षित स्थान पर वासुदेव जी। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे बाल कृष्ण का रूप है और आज जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। तमाम लोग अलग अलग गांवों से यहां पर पहुंच रहे हैं। शुरुआत आपको दिखा दी है, अंदर आपको लेकर चलते हैं, ढेर सारी झांकियां हैं। और इन कलाकारों को भी आप एक मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि मेहनत करके वो यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। पहली झांकी आप देख पा रहे हैं कारागार की है, जिसमें आपको कंस नजर आ जाएंगे, वासुदेव नजर आ जाएंगे, माता देवकी नजर आ जाएंगी। और ये तस्वीर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उससे पहले तमाम कन्याओं का वध कर चुका था कंस। अगली तस्वीर आप देख सकते हैं नंदलाला की है और तमाम एक जो है धार्मिक प्रतीक उनकी माता और साथ में तमाम और लोग। अगली तस्वीर बेहद खास है, शानदार है, क्योंकि उसमें नंदलाला नजर आ जाएंगे, बलराम नजर आ जाएंगे, उनके बाकी जो दोस्त हैं वो नजर आ जाएंगे और मटकी फोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कान्हा को माखन बहुत पसंद था इसलिए उन्हें नंदलाला कहा जाता था, माखन चोर भी कहा जाता था। एक बार बोल दो राधे राधे, राधे राधे बोल दो, राधे राधे, राधे राधे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे कान्हा बनाकर लाए हैं बच्चे को। कितना अच्छा दिन, कितना खूबसूरत दिन आज, बहुत खूबसूरत है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो आप देख सकते हैं हाथ में बांसुरी भी है, बच्चे तैयार होकर आए हैं। अगली झांकी और दिखाएंगे, जिसमें तमाम आपको नजर आ जाएंगी राधा कृष्ण और झूला भी झूल रहे हैं। और एक बार राधे राधे बोल दो,
राधे राधे। क्या नाम है आपका? मिथुला राणा। क्या बनकर आए हो आप? राधा। राधा रानी, कितना अच्छा दिन है आज, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है आपको? हाँ। आप भी बोल दो एक बार, राधे राधे। राधे राधे। आपका क्या नाम है? किमाया। अच्छा, क्या बनकर आए हो आप? राधा। राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े हो, मजा आ रहा है आज? तो आप देख सकते हैं तमाम बच्चे यहाँ पर कुछ ना कुछ बनकर आए हैं। ये तस्वीर है, तमाम लोग इसे झूला दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण है, राधा जी हैं। आपका नाम क्या है? एक बार राधे राधे बोल दो। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत तस्वीर है, कृष्ण बने हुए हैं, नंदलाला छोटा बच्चा हाथ में बांसुरी। आपका नाम? अमायरा। एक बार राधे राधे बोल दो। राधे राधे। राधे राधे। क्या बनकर आए हो आप? राधा रानी। राधा रानी बनकर आए हो, घूम रहे हो, मंदिर घूम रहे हो, दर्शन किए नंदलाला के, कृष्ण भगवान के। तो आप देख सकते हैं ये शानदार तस्वीर बच्चों को बनाकर लाए हैं, राधा और कृष्ण बनाकर लाए हैं। कितना अच्छा दिन, कितना खूबसूरत दिन। बहुत बहुत ही पावन दिन है आज, प्रभु कान्हा जी का आज जन्म दिवस है, सब तरफ खुशियां हैं। परमपिता परमात्मा सब पर कृपा बनाए रखे, सबके घरों में मंगल हो, आप सबको भी पुनः बधाई। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली झांकी जब कालिया नाग जिसने आतंक मचाया हुआ था उसके ऊपर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, छोटे छोटे बच्चे अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं। इधर भगवान हनुमान की ये तस्वीर और अंदर भी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे, जो भीड़ है। और जन्माष्टमी का त्यौहार है, जेब कतरों से ध्यान रखें, सावधान रहें और इस त्यौहार को सुख के साथ, शांति के साथ, अच्छे तरीके से मनाएं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं सनातन धर्म मंदिर की, तमाम श्रद्धालु अपने बच्चों को कान्हा बनाकर लाए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कोई राधा रानी बनकर आया है, कोई भगवान श्री कृष्ण बनकर आया है, और यही इस त्यौहार की महत्वता है, यही इस त्यौहार का एक खूबसूरत एहसास है। छोटे छोटे बाल कलाकार, कोई कृष्ण तो कोई राधा, और उधर आप देख सकते हैं कान्हा जी अपने पिता के साथ और सुंदर वेशभूषा में, और अंदर आकर सभी दर्शन कर रहे हैं भगवान नंदलाला के, कृष्ण भगवान के, लड्डू गोपाल के, उन्हें झूला दे रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और ये भीड़ रात 12 बजे तक ऐसे ही लगी रहेगी। हमारे साथ एक श्रद्धालु भी हैं, सेवक भी हैं। कितना खास दिन आज का। मैं श्याम बत्रा, महासचिव सनातन धर्म मंदिर। आज का दिन बड़ा खास है, आज ही कृष्ण जी का जन्म उत्सव है, तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। ये मंदिर हमारा बहुत पुराना है और यहाँ की बहुत मान्यता है, तो यहाँ देखो लाइनें लगी हुई हैं, शाम को 6 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक इस टाइप की लाइनें लगी रहेगी। राधे राधे जी। बिल्कुल राधे राधे जी। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि जो लोग घर बैठे हैं वो भी कान्हा जी के दर्शन कर सकते हैं, वो भी लड्डू गोपाल के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ रहे तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव तस्वीरें हैं। और ये भीड़ आप देख पा रहे हैं, मनोहर लाल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं मनोहर लाल, और ये खूबसूरत और शानदार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहां पर पहुंचे हैं सनातन धर्म मंदिर में और झूला देते हुए। तो दर्शन कर लिए सर कान्हा जी के, जय श्री राम सर, फोटो खींचो, जय श्री राम सर।
हमारे साथ केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल हैं, सांसद हैं। बेहद खास और अद्भुत दिन आज का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज भगवान कृष्ण जी का जो जन्मदिन है, जन्माष्टमी के अवसर पर आपके माध्यम से करनाल की जनता, हरियाणा की जनता, देशभर की जनता सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। भगवान कृष्ण की लीला हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र में किस प्रकार से युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने जीवन जीने का सार यानी गीता का सार अर्जुन जी को उपदेश दिया, और वो उस समय जितना एक प्रकार से वो संदर्भ उसका सार्थक था, आज भी इस समय भी वो सारे संदर्भ सार्थक हैं, चाहे अपने देश की बात हो चाहे दुनिया की बात हो, कि कैसे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है, मर्यादाओं का पालन किया जा सकता है। ये जीवन जीने का सार गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण जी ने दिया था, हमारे लिए प्रेरणा है, हम भी उन्हीं रास्तों पर चल करके और देश और समाज की सेवा करें। बचपन से लेकर आज तक इस दिन की बड़ी उत्सुकता रहती होगी, खास करके परिवारों में, बालकों में, महिलाओं में इस दिन की विशेष बात रहती है, क्योंकि जो बालक बाल रूप कृष्ण नंदलाला यानी नंदलाला के बारे में कितने गीत बने हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। मनोहर लाल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सनातन धर्म मंदिर में पहुंचे और यहां पर माथा टेका, तमाम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं और आज का दिन बेहद खास है। तो आज बेहद खास दिन है, आज नंदलाला का जन्मदिन है, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और इस त्यौहार को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तमाम लोग लंगर भी लगाते हैं और कुंजपुरा रोड पर नेहरू प्लेस के नज़दीक अगर हम आगे की तरफ आते हैं तो गोपाल भोग जो नमकीन भंडार है वहां पर तमाम श्रद्धालुओं की तरफ से लंगर लगाया गया है, केले का प्रसाद बांटा जा रहा है। तमाम लोगों से हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे और बेहद खास दिन है, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन के महत्व के बारे में? आज का दिन बहुत ही अच्छा है, कान्हा जी का जन्मदिन है तो आपको पता ही है, पूरा बाजार, दुकानें, सब मंदिर सब सजे हुए हैं, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को खुद को ही अच्छा लग रहा है, और ये चीज़ प्रसाद देते हो तो आपको पता है अच्छा सा ही फील हो रहा है। तो कैसा लग रहा है आज का दिन, बेहद खास और खूबसूरत दिन? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है, बर्थडे तो वैसे ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इस दिन पूरी भारत में बहुत अच्छे से कान्हा जी का जन्मदिन मनाया जाता है, मंदिर वगैरह सजाए जाते हैं और बाजारों की रौनक भी देखने वाली होती है। बहुत एक बार बोल दो राधे 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 राधे। तो आप देख सकते हैं बच्चे भी इस त्योहार को बड़ी खूबसूरती के साथ मना रहे हैं, आप भी बोल दो एक बार राधे 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 राधे। तो ये इस त्योहार की खूबसूरती है, ये इस त्योहार का महत्व है जो बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आप भी इस त्योहार का आनंद लीजिए और शांति के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाइए। तो आज जन्माष्टमी का त्योहार है और ये त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं करनाल के सेक्टर 14 में कृष्णा मंदिर में और आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु यहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया के चरणों में जो है वो आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं और खूबसूरती के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। जो एक पूरा प्रक्रिया रहती है किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ की, उस कार्यक्रम के शुभारंभ में हम तिलक भी लगाते हैं, पुष्प भी अर्पित करते हैं और बड़ी ही धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं राणा अकेडमी से जो डायरेक्टर है, संचालक है, अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हरे ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्य अजाजत सूत्रा वायुश प्राणश अरुणावतारम संसार सारम उद्रेन्द्रहारम सदा मुकुंदम हृदयारण्ये ओम भवानी शैतानमामि।
एक बार जोर से जयकारा लगा देंगे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज एक शानदार अद्भुत और खूबसूरत दिन है और हम आपको लेकर पहुंचे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में, जो सेक्टर 14 में स्थित मंदिर है, कृष्णा मंदिर। और पिछले 10 दिन से यहां पर लीला चल रही है भगवान श्री कृष्ण की। प्रधान जी हमारे साथ हैं, जोगिंदर राणा जी हमारे साथ हैं, तमाम और श्रद्धालु भक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं। पहले प्रधान जी से बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस खूबसूरत दिन पर अशोक सुखीजा जी। इस विश्व में जो अन्य देवी देवताओं का स्थान है उसमें भगवान कृष्ण का स्थान उच्च माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को एक उपदेश गीता के माध्यम से दिया, जो कि हर जीव के लिए उसके जीवन में आने वाली समस्याएं और उनका समाधान वो निहित किया है। और ऐसा होली बुक है जो कि प्रभु जी के श्री मुख से कही गई है। ऐसा उनके जन्म उत्सव कृष्ण मंदिर, क्योंकि हमारा मंदिर का नाम भी श्री कृष्णा के जी उनके नाम पे, लॉर्ड कृष्णा के नाम पे रखा था, तो कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हम बड़े उत्सव, बड़े उत्साह और बड़े उमंग के साथ हर वर्ष मनाते हैं। इस वर्ष हमने ये 11 दिन का पखवाड़ा रखा था, जिसमें नूर महल पंजाब से आशुतोष महाराज जी के परम शिष्या सुश्री सोमा भारती जी द्वारा 5 दिन तक कृष्ण कथा का मंचन किया गया और लोगों ने बहुत ही उसे सराहा, बड़े आनंद से उसे सुना। और पिछले 21 तारीख से लेकर पिछले आज 6वां दिन है, वृंदावन से आए पंडित सुखदेव शर्मा जी के नेतृत्व में जो वृंदावन से कलाकार आए हैं, वो ठाकुर जी की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं और सभी भक्तजन आकर इसे अवलोकन करते हैं। आनंद ही आनंद छाया हुआ है। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे सेक्टर 14 के ही निवासी जोगिंदर राणा जी, जिनके जो कि युवाओं को उनका उनके अंदर हुनर लाते हैं राणा एकेडमी के माध्यम से, वह परिवार शाश्वत परिवार है, वो उनके माध्यम से उनके करकमलों द्वारा आज की झांकियों का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में वो उपस्थित हुए। मैं उनका संस्था की ओर से भी अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और विशेष तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से करनाल के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हर विषय को लेकर के करनाल में कोई भी घटना हो, कोई भी उत्सव हो, कोई भी महिला हो, उसकी कवरेज करने पहुंचते हैं, इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा। शुक्रिया जोगिंदर जी, कैसा आज लग रहा है और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत दर्शन भी हो गए? सबसे पहले तो करनाल वासियों को जन्माष्टमी की श्री कृष्णा की बहुत बहुत बधाई, उसके बाद मेरे देशवासियों को, और आपने देखा होगा जो हमारे इंडियन बाहर जाके बसे हैं उन्हें भी बधाई। और लेकिन भगवान की लीला में तो मैंने वृंदावन में अंग्रेजों को भी खोए देखा है, उन सभी देश विदेश में बैठे लोगों को बधाई। मैं तो भगवान का जी वो भगत हूँ, अगर मेरे को तो कहीं मिट्टी भी नसीब हो तो उन्हीं की हो, बिल्कुल मैं तो उन्हीं का दीवाना हूँ। उन्होंने पता नहीं किस तरह आशीर्वाद दिया और बड़े भाई ने मेरे को यहाँ पर बुला लिया, मेरे चाचा कविंदर जी भी यहाँ आए हुए हैं, इसी बहाने उनका भी आशीर्वाद मिला। करनाल रॉकस्टार से मेरे भाई पवन मेरे साथ हैं विद फैमिली, मतलब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान साक्षात्कार मेरे को दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला ही इतनी प्यारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस त्यौहार पर और बड़ी ही धूमधाम के साथ पूरे देश में ये त्यौहार मनाया जा रहा है? सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई। मैं तो राधे रानी की भक्त हूँ, एक छोटी सी ऐसा लगता है मुझे, जो भी कुछ है मेरे लिए राधे रानी है, तो उन्होंने ही आज मुझे ये मौका दिया है, राणा जी को ये मौका दिया है, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। प्रभु कृपा सब पर बनी रहे, सबको बधाई। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं प्यारी सी राधा, छोटी बच्ची जो अपने माता पिता के साथ पहुँची हुई है, क्योंकि आज एक खास दिन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस त्यौहार पर? सर्वप्रथम तो सभी को, जो भी आपके दर्शकगण हैं उनको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार किया इस पवित्र कार्य के लिए आप यहाँ पर पधारे। जैसा कि मेरे से पूर्व प्रधान जी ने बताया, यहाँ पर पिछले 15 दिनों से भगवान कृष्ण की साक्षात कृपा बरस रही है और उसमें मेरे को भी शामिल होने का अवसर मिला, इसके लिए मैं प्रधान जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और पुनः सभी देशवासियों को इस मैं कहता हूँ जो ये जन्माष्टमी का जो त्यौहार है,
और जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का एक उपदेश पूरी दुनिया को मिलता है, जो एक पूरी दुनिया को लाइट हाउस का कार्य करता है, मार्ग दिखाने का कार्य करता है, उस ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर मैं सभी को बधाई देता हूँ। बिल्कुल, एक बार आप भी शुभकामनाएं दे दीजिए। मैं बस सबको यही कहना चाहूँगा कि जन्म उत्सव की सबको बहुत 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 बधाई। बिल्कुल, पवन भाई भी हैं। पवन भाई, एक बार जो शुभकामनाएं हैं सभी तक। मैं जोगिंदर राणा सर का, गुरुजी का दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं की छत्र छाया में रह के हम बेजुबान जीवों के लिए काम करें। पूरे करनालवासी, पूरे हिंदू वासियों को, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। जय बना रहे। और झांकियाँ भी हम आपको दिखाते हैं। गोवर्धन पर्वत की ये झांकी है। जब बरसात हो रही थी, तूफान आ रहा था, तो आप देख पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे छोटी उंगली पर उस पर्वत को उठा लिया था और उसके नीचे सारे जो ग्रामवासी हैं वो आ गए थे। इतनी खूबसूरती के साथ इस झांकी को दर्शाया गया है। और ये प्यारी सी जो तस्वीर है आप देख पा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा की, और बड़े ही खूबसूरत लग रही है। एक बार राधे राधे बोल दो। राधे राधे। आप भी बोल दो राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? तो आप देख सकते हैं बच्चे बहुत ही यहाँ पर अच्छी अच्छी वेशभूषा में आए हैं। और भगवान भोलेनाथ की ये झांकी, ऐसी तमाम झांकियां यहाँ पर बनाई गई है। आप सभी को भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बेहद ही खूबसूरत त्यौहार है, शांति के साथ मनाएं, मंदिरों में जाएं, जेब कतरों से सावधान रहें और हर त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ, शांति के साथ आप लोग मनाएं। और यही हम कामना करते हैं कि आपकी जिंदगी हमेशा सुख से भरी रहे। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग।